They were marching against the British colonial government. They were marching for their livelihood. They walked for the right to make salt. We were following the path of Mahatma Gandhi's Salt March. It was one of the most important moments in the Indian independence movement. I wanted to visit the same locations that Gandhi had gone to. I wanted to see if people remembered his march. 77 years later, I wondered what remained of Gandhi's legacy. We were filming in Gujarat, the place where Gandhi was from. But what did it mean to film in Gandhi's Gujarat, where 5 years ago, more than 2,000 Muslims had been killed by Hindu fundamentalists? And what did it mean to live in Chief Minister Narendra Modi's modern, globalizing Gujarat? ये बेंगल्स बन रही है प्लास्टिक की और ऐसा मेरे पास 7 मशीन था पहले लेकिन जो राइड्स हुआ गुजरात में तो उसमें ये सब बहुत 20,000 इंसान का जो टूल पब्लिक आया उन्होंने अटैक किया हम पे और उनके साथ स्थानिक लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और ये पूरा जो कारखाना उसको जला दिया गया था और जो मेरा सब माल सामान था सब लूट लिया गया था और उस वक्त हम हमारी जान बचा के भाग चुके थे यहाँ से। उस समय मेरे पास तकरीबन 20-22 कारीगर थे। आज 2-3 कारीगर से मैंने काम शुरू किया है। पहले ये भी सब बना हुआ था ये सब पूरी बाउंड्री थी। लेकिन उस टाइम को सब तोड़ डाला था फिर उसके बाद बना नहीं सके हम। जो मंजर मेरे बच्चों ने देखा था वो आज तक भूले नहीं है वो यहाँ पे आना गवारा ही नहीं करते Gandhi began his salt march from the Sabarmati ashram. It was here that he developed his principle of satyagraha,
or non-violent resistance, which became a powerful tool in India's struggle for freedom. ये महात्मा गांधी जी का निवास स्थान है, सत्य का मंदिर है, टेंपल ऑफ ट्रूथ। यहाँ से 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा का आरंभ किया था। तब बापू ने प्रतिज्ञा ली थी, जहाँ तक स्वराज नहीं मिलेगा वहाँ तक मैं वापस नहीं आऊँगा। आज़ादी के बाद फिर आने वाले थे 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस में गौडसे ने प्रार्थना सभा में बापू की हत्या कर दी। After salt march, Gandhi ji never returned. आ जाइए। एक गांधी जी का मीटिंग रूम था, सिटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ महात्मा गांधी जी। गांधी जी यूज टू सिट हियर। गांधी जी यूज टू राइट लेटर्स ऑन दैट डेस्क। टुडे वी हैव गॉट नियरली 34,081 लेटर्स रिटन बाय गांधी जी इन हिज ओन हैंड राइटिंग। लेटर टू वाइसरॉय लॉर्ड अर्बन, साबरमती आश्रम, March 2nd, 1930. डियर फ्रेंड, बिफोर इम्बार्किंग ऑन सिविल डिसोबीडियंस एंड टेकिंग द रिस्क दैट आई हैव रेडिड टू टेक ऑल दीज ईयर्स, I would rather approach you to find a way out. But if my letter makes no appeal to your heart, on the 11th day of this month, I shall proceed with co-workers of the ashram to disregard the provisions of the salt laws. I regard this salt tax to be the most iniquitous from the poor man's standpoint. As the independence movement is essentially for the poorest in the land, the beginning will be made with this evil. It is, I know, open to you to frustrate my design by arresting me. I hope that there will be tens of thousands ready, in a disciplined manner, to take up the work after me in the task of disobeying the Salt Act. I remain your sincere friend, M.K. Gandhi. इस बार हमारा जो फोकस एरिया है वो ऐसी जैव का। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि 21वीं सदी के कालखंड में और इस ग्लोबल इकोनॉमी एरा में लेबर प्ले फील्ड के बिना भारत इस आर्थिक युद्ध को जीत नहीं सकता। और अगर वो विजन हमारे में नहीं है तो मित्रों, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और हिंदुस्तान गुलाम था और हम मौका चूक गए थे, अगर इस समय हम ये अवसर खो देंगे तो फिर एक बार जैसे हम 20वीं सदी में पिछड़ गए थे, 21वीं सदी में भी पिछड़ जाएंगे। मैं अनुभव करता हूं कि आने वाले कई डेकेड्स तक इकोनॉमी पर ऐसी जेड का प्रभाव रहने वाला है, ऐसी जेट ड्राइविंग फोर्स बनने वाले हैं और गुजरात ने इसको विजुलाइज किया है और इसलिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ग्लोबली
और यहाँ पे लोग गार्डन बनाना चाहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं और शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। जिंदाबाद। अब उनको यहाँ टूरिस्ट के लिए एक मनोरंजन के लिए कुछ बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे स्लम में जो गरीब दोनों किनारे पे 40,000 परिवार रह रहे हैं, उनके लिए आज तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे ब्रिज का जो ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था उसमें बोला था कि मैं अहमदाबाद के अंदर एक भी झुग्गी बस्ती रहने नहीं दूंगा। तो हम उस मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप लाख कोशिश कीजिए लेकिन झुग्गी बस्ती कभी कम नहीं होगी। आप गरीब को गरीब बनाओगे तो और झुग्गी बस्ती पैदा होती ही रहेगी। ये वॉल बन रही है, वॉल बनने से ये चुपड़े हटाने का बोल रहे हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे संघर्ष किया और उसको अभी तक तो रोक दिया है। हम लोग आ गए थे और हमने तोड़ने नहीं दिया उनको। यानी हम लोग रोजी के लिए गए थे, समझे, तो लोग बुलेट लेके आए थे, लेकिन वो लोगों को सब मोहल्ले वाले आके भगा दिए, वापस भगा दिए उन लोगों ने। और उनको ऐसा बोला कि भाई तुम्हारी ताकत हो तो तुम्हारे हाथ से तोड़ो, तुम्हारी ताकत हो तो तुम्हारे हाथ से तोड़ो और भराओ, हम देखते हैं तुमको, बस वही बोला था भाई साहब ने। लेकिन वो गाड़ी लेके भाग गई। वो क्या बोलता था कि हम तुमको ले जाते हैं, तुम चलो, कहते कि हम नहीं आने सकते इधर से, बिल्कुल नहीं आ सकते, हमारे रोजी यहीं से, हमारा सब हमारा धंधा पानी इधर है, तो हमें क्या करेगा, ऐसे हम बोलते थे इसको। पीछे वापस चली गई। हेलो, नहीं भेजा, बस वो सारी रात मेरे पास से रहते थे, मैं इधर बैठ रही थी, बरसात को ऐसा बरसात जम चुका, बरसात बहुत बरसात गिरा और मैं इधर ऐसा करके बैठ गया, वो मेरे पीछे से नहीं हटा। आपका साथ नहीं छोड़ता है वो? नहीं, अच्छी बात है। तो मार तो छोड़ देते हैं बाबूजी, माँ छोड़ देते हैं, वो जानवर छे ना, वफादार छे अपना, वो नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हूँ गमे तक धंधे जाती रही ना तो भी रहता आवा खबर काढ़वा, तीन चार दफे मेरे डोसा पास आ जाएगा, ऐसे बहुत दिल वाला है। वो सब आए थे रोज, वो यहाँ के जो मेगा सिटी वाले वो आए थे बोलने, वो कहने के लिए दो दबान भी आए थी, दबान के साथ आए थे सब तोड़ने फोड़ने के लिए, तो वो लोग ने किले बिठा ले। फिर वो लोग ने बोला था, बोले शनिवार का आज के दिन आने वाले थे पर आए नहीं। हो पर आपको ये भी तो डर होता होगा कि वो आते रहेंगे? हाँ, डर तो है ना, आ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम, तो डर तो है हमारे को यार, इतना सारा सामान है, बच्चे हैं, लड़की के लड़के हैं, यहाँ पे पूरा परिवार है यहाँ। राजू भाई बताइए, ये जो मेगा सिटी बनने वाली जा रही है, ये जो इसके बारे में आपने क्या सुना है, क्या कहते हैं आपको साहब? अब मेगा सिटी से हमारे कोई मतलब नहीं है, हमको दो वक्त की रोटी चाहिए, मजूरी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं साहब, क्या चाहिए बारे में, दो वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं, दो वक्त की रोटी और रहने के लिए घर चाहिए, बहुत हो गया और कुछ नहीं पैसे साहब, बस हमारे को रहने के लिए घर चाहिए और दो वक्त रोटी मिल जाए, बहुत हो गया, हम कहाँ लेकर जाएंगे सब, हमारे पर कोई पक्का पाया तो है नहीं, फिर चलो हम जा सकते हैं, हमारे पास तो ये सब है साहब, टूटा फूटा चबरा है, बस हम कहीं जा सकते नहीं, कोई मार पर पक्का तो है नहीं घर के, वहाँ चले जाए। और वो जी मजदूरी हमारे को यहाँ से नज़ीक से मिल जाती, अब दूर फेंक देंगे तो हम कहाँ से निकले, किस तरह निकलेंगे और किस तरह रोजी मजदूरी कमा के खाएंगे।
ये लोग अंग्रेज जैसे भी बेकार है जो आज गांधी जी को आदर्शों को यहाँ बुलाया जा रहा है। ये वो नदी है साबरमती नदी जहाँ से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आज वही नदी के रहने वालों को उजाड़ा जा रहा है। एलिस ब्रिज अहमदाबाद March 8th 1930. Now the time has come when you and I will be finally tested. And in that matter, the government has made our path easy, yours as well as mine. I want to deprive the government of its illegitimate monopoly of salt. My aim is to get the salt tax abolished. That is for me one step, the first step towards full freedom. We shall have no peace, nor will we let the government have any, till we have won complete independence. We believe that India's freedom is to be won through peaceful and truthful means. Accompanied by 78 fellow travellers, Gandhi left Ahmedabad by crossing this bridge. They were walking to Dundee, where they intended to break the law by making salt. They would walk a distance of 241 miles. They would pass through 4 towns and 48 villages. It would take them 24 days to get to Dundee. There weren't too many who took Gandhi seriously. How could a frail 61-year-old man hope to create a national movement by walking for salt? Every day of the march, they feared that they would get arrested. There was always the danger of state violence. Gandhi stopped at several villages on the road to Dundee. He asked people to give up their government jobs and join him in breaking the salt tax law. He spoke about tolerance and equality between the different castes and communities. He asked for trust and solidarity between Hindus and Muslims. Ek sec here. आप ये रास्ते पे पहले गए हैं? कौन मैं? हाँ नवागाम नायका देखा, नवागाम नायका बोलते हो? हाँ नवागाम। Our first stop was Navagam. I had heard of a Gandhian who lived here. He had met Gandhi during the march.
શું થયેલું ત્યાં? કઈ નહીં, ખાલી પણ ગાંધીજી આવતા સીધા ઉતરી પડ્યા. જે બહારથી ગાંધીજી આવી રહ્યા હતા એટલે કોઈને ખબર નહીં, એમને ટાઈમ થઈ ગયો પ્રાર્થનાનો, એટલે સીધા ઉતરી પડ્યા. કારણ કે ગામના જાણકાર હતા ગાંધીજી, એટલે એમને ખ્યાલ જ હતો. એટલે અહીં ઉતરી, અહીં પ્રાર્થના કરીને પછી અહીંથી પ્રાર્થના પૂરી કર્યા પછી આપણે ત્યાં પેલી જગા બતાવી, ત્યાં રાતવાસો ત્યાં કર્યો. ગાંધીજીને જે સર તરીકા લગાયા, સત્યાગ્રહ સે અન્યાય કો હટાના, એ ગાંધીજી કા ઉપદેશ થા. સત્ય કે રાહ પર ઓર અહિંસા કે રાહ પર. તો લોકો અભી જો વિચારવંત લોક હૈ, બુદ્ધિમાન લોક હૈ, વો તો સોચતા હૈ કે ગાંધીજી કી બાત સચ્ચી હૈ. જો પહેલે અપને દેશમાં ઓર સારી દુનિયામાં જૈસા ગાંધીજી જો એક બડા આદમી હુઆ, મહાત્મા હુઆ, એસા જો આદમીઓ પહેલાં જો હોતે થે ઉસકો ભગવાન બોલતે થે. લોકો કો સુધારને કે લીએ, અનિષ્ટ કો દૂર કરને કે લીએ વો લોકોને ઉપદેશ દિયા થા, કામ કિયા થા. એસી તરહ સે ગાંધીજીને બે કિયા. જો ગાંધીજીને રુકાવટ નહીં દી થી તો ગાંધીજી કો લોક ભગવાન બોલને લગતે થે. લેકિન ગાંધીજીને સ્પષ્ટ ચેતવણી દિયા થા કે ખબરદાર, જો મેરે કોઈ મુજે ભગવાન માને નહીં, મેરે સામને દીવા ભી નહીં કરે, મેરે મંદિર ભી નહીં હોને ચાહીએ. તો શું કોસકાર અર્થેદાર મરી ગયો? આપણે બાગમાં બેસીને નતા પણ અહીં ભણ્યા હતા, આપણું મારું પણ એ કે નથી કે અહીં આપણે કેવું રાખીએ. મારો ફોટો નહીં, મને શોખ નહીં. આ છોકરા ગાંધીજી કા રાહ પર ચલને વાળા કરીબ લાખ મેં એક આદમી હોગા. હમરા જૈસા કોઈ થોડા થોડા અસર વાળા હૈ. વો હિન્દુ મુસ્લિમ વો જો દંગા ફસાદ હુઆ, મુસ્લિમ કમ્યુનિટી કી બહોત બરબાદી હુઈ, ઉસકે બારે મેં થોડા બતાએંગે. કોઈ મોમેડન હૈ અપને ટીમ મેં? નહીં, કોઈ મોમેડન નહીં. નહીં નહીં, દેખો હા, એ બહોત બહોત મૂડા વિચાર કા સવાલ હૈ. ગુજરાતીમાં કહેવું છે, કૂતરીનું પૂંછડું, કૂતરાનું પૂંછડું 10 વર્ષ ભોયમાં દાંત સીધું કરી અને ઉપર માટી વાળીને દબાવી દો, દોરીથી બાંધી દો, પણ 10 વર્ષ પછી કાઢો તો તરત આમ બાંકું થઈ જાય. એમ આ કોમ્યુનિટી કદી આજથી નહીં, 500 વર્ષનો ઇતિહાસ છે. ત્યારે મુસલમાનો આ દેશમાં જ્યારથી આવ્યા છે ત્યારે અબજો અબજો રૂપિયા તો લૂંટી ગયા છે અહીંથી, અબજો અબજો રૂપિયા જરઝવેરાત, મંદિરો તોડી નાખ્યા, મૂર્તિઓ તોડી નાખી, લોકોને સ્ત્રીઓને ઉઠાવી ગયા, બળાત્કારો કર્યા. આ કોમ્યુનિટી એટલે તમે શું રાક્ષસો છો એક જાતના. અને આ તે જ પવિત્ર જગા છે જ્યાં ભારતની આઝાદીના જ્યોતિર્ધર મહાત્મા ગાંધીજીએ 13 માર્ચ 1930ના રોજ યાદગાર દાંડી કૂચને નામે ઓળખાતા ઐતિહાસિક મહાભિનિષ્ક્રમણની બીજી રાતનો વિસામો લીધો હતો. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શાંત જગા યે સ્મશાન ગૃહ હે નવા ગામ કા. કેતન ભાઈ ડિડ નોટ કોલ હિમસેલ્ફ અ ગાંધીયન. હી હેડ રીસેન્ટલી વન ધ વિલેજ ઇલેક્શન્સ.
ये जब ये इलेक्शन आया सरपंच का तो मेरे खिलाफ ही बोलने लगे, ऐसा है वैसा है, ये बाहर का है, और इस तरह से मुझे हराने के लिए पूरी चाल चली उन्होंने। तो प्रत्यक्ष में वो छुआछूत अभी नहीं, लेकिन अंदर से रखते हैं। देखो मैं कल कुर्सी पे बैठा बरा, तो अभी ये माहौल तो है कि हम मैं उसके बराबर का बैठ सकूं। पहले ऐसा तो नहीं था, नीचे बिठाते थे या फिर अंदर तो आने ही नहीं देते। हाँ, अगर इंटीरियर गांव में तो अभी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ गांव में, नवा गांव में कम है, प्रत्यक्ष कम है, इंटरनल है। उनको ऐसा लगता है कि ये शासन है वो हम ही कर सकते हैं, ये पिछली जाति के आदमी नहीं कर सकते हैं उनको। और ऐसे जो एजुकेटेड आदमी आए तो उनको मालूम है ये कितना, अगर आएगा तो उनको कोई पूछेगा नहीं। दाढ़ी यात्रा रूट हेरिटेज जो बनने वाला है उसमें गांव की दुकानें भी जाने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, एक जो दुकानदार है तो वो पक्की दुकान में वहाँ अपना बिजनेस करे वो। और शौचालय की बहुत समस्या है गांव में, तो शौचालय भी बनाना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जेंट्स के लिए तो होती है लेकिन लेडीज़ के लिए तो नहीं होती, लेकिन दोनों के लिए बनाना है यहाँ पे। एक अच्छी चाय बनाओ। ये गटर, जब से गटर बनी है ना तब से गटर की सफाई हुई नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। पहली पहली बार होता है सब, ये भी पहली बार हुआ। और तो गांव के लिए तो बहुत कुछ करना है, सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए नहीं करूंगा, मैं सबके लिए करूंगा। मेरा सपना ये है कि गांव अच्छा से अच्छा मैं बनाऊं नवा गांव को। यहाँ से वो यहाँ से निकले गुजरे और यहाँ से गए, और ये कहाँ तक जाता है? ये आगे मैं रास्ता दिखाता हूँ ना आपको, मैं तो अभी जाते हैं, हम वहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको रास्ता पूरा। कहाँ जाना है आपको? डबान। यहाँ से आगे चले जाओ, आगे रास्ता आएगा, फिर वहीं से गोबलत सीधा पांचोली रहकर गोबलत, गोबलत से सीधा हाईवे आ जाएगा।
भी देख लो कि वो जो बताया था whether we're going on the same route or whether we're not, because he said highway आ जाएगा अभी. Yeah, you're quite right. This is not the way. We are supposed to go straight. Yeah. And then we come to Dabhan. Sorry, मेरे ख्याल से वो गलत बताया. Reverse कर लो यार. महेश देख लो ना क्या क्या बताया था कल उसने. वही तो बताया था रास्ता वो. केतन भाई ने बोला अंदर अंदर से डबान जाना है हमको. जिस रास्ते पे गांधी जी गए थे वो. भाई साहब कैसे हैं जी. भाई साहब ये डबान का रास्ता किधर है. डबान डबान आगर जाता है. कितना दूर है यहाँ से. मेरे डटाल आगर जाता. अच्छा भाई साहब सुना है गांधी बापू इस रास्ते से गए थे बहुत साल पहले. आ रास्ता. हाँ आ रास्ता है. यही रास्ता है गांधी बापू का. आ रास्ता है. अच्छा मेरे डटाल ने गोंद पर आ रहे छिद्रत मात्र वास आ रहा था. अच्छा अच्छा The villages that we were passing through were dominated by the upper castes. Gandhi wanted to reform the caste system, not get rid of it completely. He believed that the upper castes would voluntarily share power with the lower castes. This never happened. But Gandhi had always fought for the rights of the lowest castes, the untouchables. At Dabhan, Gandhi shocked the social order by bathing at an untouchable well. नमस्ते जी. हाँ नमस्ते. नमस्ते. हम लोग डांडी कूच पे काम कर रहे हैं. सुना है यहाँ गांधी जी आए थे कुछ समय पहले. बहुत समय पहले. यहाँ कोई कुआं है जहाँ आसपास सुना है वो आए थे. ओ ये खबर नहीं. पहला ना वक्त मशे अतार हमने कोई ख्याल नहीं. અમે કોઈ જાણ્યા નહીં ત્યાં કુવો હોય કે ના હોય. બાપ ગાંધી બાપુ આવ્યા હોય કે ના આવ્યા હોય એ અમને ખબર જ નહીં. એ અમને ખ્યાલ નહીં. આ તો અમને હમણાં શાદી થઈ એટલે બધા આવ્યા. પહેલા ગયડાને બધા મરી ગયા. લેકિન મેરી બાત એ સુનો કે અભી તો ક્યાં હે કે સમય જૈસે બીતા જા રહા હે ઇસી તરહ તો અપને કો તો યહાં કોઈ કુવા તો દિખતા નહીં હે. ના યહાં કુવો. બરાબર કુવો તો બહોત પહેલે થા. ઇધર થા. ઇધર બહોત પહેલે નહીં થા. ઇધર નહીં ગયડા ની વખત. પૂરો બતા એ જગ્યા પર પાછું આ ઘર કર્યું. ગયા વખત માં આવેલા હતા જ નહીં. માં ડોહા હતા ત્યાં ના આવેલા. આવું બોલો બધા મરી ગયેલા ને બાળો ખબર છે. આ છોડ્યો જેવડી નાની હતી હું. મારા દાદા મારા દાદા જોયેલા ગયા મારા. મેં ગાંધીજી કે કોઈ દિન ગાંધીજી કા યે ફોટા ભી તસવીર ભી નહીં દીખી. એસા બોલતી આપ બોલતા યે મેં ડાંડી કૂચ મેં આયા હું તો મેરે કોઈ એસી બીક લગતી હૈ કે વો મકાન ગિર જાયેગા. મેરે કોઈ એસી બીક લગતી હૈ કે મકાન ગિર જાય તો મેં કે કોન સી જગહ પે રહું. એસા બોલતી ઉમ્મીદ કરતા હું એસા તો કુછ હોગા નહીં. હાં યે એસી. મેને આપકો કહા ના અગર ગાંધી જી હોતે મુજે લગતા હૈ બહોત ખુશ હોતે કે આપ ભી થે. તો હાં ખુશ હું મેં. મેં ગાંધી જી કી જગ્યા પે હૈગી તો મેં ખુશ હું કે મેં ઇધર રહેગી. મેં ભાગ્યશાળી હું તો ગાંધી બાપુ કી વો ના જેને નાયા થા ये जगह पर मैंने घर बनाया था. इन का हृदय के अंदर मैंने घर बसाया. मेरे को एक घर सब लोग आके घर तोड़ डाले तो मैं कहाँ रहूँ. आप जो बोलेगा तो घर गिरा दो मेरे को दूसरा घर बना दो तेना में. बात बरोबर है सही है ना. मैं जो बोलती हूँ सही है ना. वही वही यही धर्मशाला. ये धर्मशाला में ही आए थे.
यार यहाँ रुके थे, अब थोड़ा रिवोल्यूशन किया, सब नया नया जमाना बदलता है, वहाँ वहाँ ऐसे ही होता है। अभी क्या है, वो पुराना जगह हो गया, सब तोड़ के अभी नया पार्टी प्लॉट बना दिया। यहाँ जो फंक्शंस होते हैं पटेल लोगों के ही होते हैं, और जाति के लोग के फंक्शंस नहीं, उनकी कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है पहले से, इसीलिए संस्था में ज़्यादा नुकसान करते हैं। जब इनको देते हैं तो काम कम पहले दिए थे। बिल्कुल ऐसे गंवार ही रहते हैं बिल्कुल, और जो चीज़ हाथ में आए संभाल के नहीं इस्तेमाल करते, इसको पूरी जानवर की तरह बर्ताव करते हैं चीज़ के साथ। टूट जाए तो क्या, जल जाए तो क्या, बिगड़ जाए तो अपना थोड़ा है। ભગવાન તો બધા હમણાં હરખા છે, માણસ બધા હરખા છે, તમે અમે બધા ઉપજાયેલા છે, ભગવાન ના જ ઉપજાયેલા છે, તમને કાપો તો લોહી નીકળે, અમને કાપો તો લોહી નીકળે, યા બધા હરખા જ છે, પણ તોય અમારાથી આ કાજુ ચોટું રાખે છે અશે ઉપરવાળાની મહેરબાની। બેહો સાહેબ, કામમાં જવાનું મોડ થયું, દવાખાનામાં જવાનું। ગાંધીજી તો દૂસરે ગાંવ કે દૂસરે ગાંવ મેં આયે થે, યહાં નહીં આયે થે, ના इधर आए, दबर में तो ख्याल नहीं। गुजरात में सबसे आपके फेवरेट लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, वो क्यों, वो गुजरात के लिए क्या कर रहे हो? गुजरात में शू करे छे, ये तो बहुत ठीक, पर मोस्ट ऑफ ली हिंदू तत्व जो उमेरा छे वो सारू करे, नहीं तो जे हिंदू बीबीन फरता थे वो बधु वो बधु ओछु थई गयो। કારણ કે અમુક સિટીમાં આ બધા પેલા શું કહે છે, આતંકવાદ નહીં, પેલા મોમેડિયન કશું કહે છે ને રાજકારણમાં, હા લઘુ કદ લઘુમતી કોમ બહુ એમનો એ હતો અમુક સિટીમાં તો, ના અત્યારે આવી રીતે બીવાનું નહીં, અત્યારે તો એકદમ ખુલ્લીને ફરવાનું। વો સાહેબ બોલતા હે કે નરેન્દ્ર મોદીને જો કિયા વો અચ્છા કિયા, वो हिंदू के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो क्यों अच्छा क्यों है, उन्होंने क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का बहुत डर था मुसलमान से। और क्या मुसलमानों में डर है अभी? हाँ, वो तो डर तो है। आपको लगता है ये डर अच्छी बात है? डर तो किसी न किसी को तो रखनी चाहिए ना, डर नहीं हो तो दूसरी बार वो थप्पड़ लगाए ना।
We left Dabhan as fast as our wheels could take us. चीज बताओ, ये जो फिल्म हम लोग बना रहे हैं, ये गांधी जी पर आपके क्या विचार है? मेरा तो क्या विचार होगा, वो तो मान तो है ही। वैसे भी वो लोग तो उसने काम अच्छा ही किया है, तो वो माने रहेंगे ना, सबके दिन में रहेंगे, रहना ही चाहिए वो। नहीं यार, पर बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि वो तो कहने वाले तो कहेंगे ना, वो तो नहीं, ये जो अहिंसा वहिंसा चीज तो चलती नहीं है ना आपके गुजरात में, गांधी जी का चलता है? नहीं चलता है, आज की तारीख में कोई कोई किसी का थप्पड़ नहीं खाएगा। तो ये भी कहते थे ना, अपने आप दर्द दो पर और लोगों को दर्द मत दो, ये सब उनका था। अभी तो कोई नहीं लेने वाले, मेरा दर्द आप थोड़े लेने वाले हो। वो बोलने के लिए सब है, कोई नहीं लेना। After 7 days of walking, Gandhi and his followers reached Napa. Here, they were greeted and garlanded by Muslim villagers. Gujarat mein jab dehshat ka mahol tha, to uska jo mahol tha, wo alag tha. ऐसा लगता था ये गांव पूरे गुजरात में नहीं है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है, हिंदू लोग हैं वो कम है यहाँ रहने रहते, मगर वो उनको कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बाहर कुछ दंगा हो रहा है, कि यहाँ हमें कुछ खतरा है, हमको मारेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सब मिलजुल के रात को बैठते थे और हम उनकी हिफाजत करते थे, कि कहीं दूसरा आके उनको ना मार जाए और हमारे नाम बदनाम होना हो जाए, तो हम सब मिलके उनकी हिफाजत करते थे। और आजू बाजू के गांव वाले सब मुसलमान यहाँ आए थे और कैंप भी रखा था, और ये कैंप में वो हिंदू लोग उनको खिलाते थे। वो तो ऐसे ही निकल गए थे दहशत के मारे, क्या लेंगे, बच्चों को लेके निकल गए। तो ये हिंदू लोग आते थे और उनके ओढ़ने की, खाने की, पीने की सब वो इंतजाम करते थे, कि भाई हमारा भी फर्ज बनता है, आज इंसानियत जाग उठी है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो हिस्टोरिकल गांव है, गांधी जी भी यहाँ आए, गांधी कुछ किया, सब हिंदू मुसलमान सब साथ मिलके रहने का है, उसमें कोई दंगा फसाद नहीं होने की, ऐसी बात उन्होंने बोली थी। और हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव वाले, तो उनका तो आदर्श है गांधी जी, हर कौम के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी गांधी जी को बहुत मानते हैं यहाँ पर। I was skeptical after meeting Ibrahim bhai. How could Napa remain peaceful when Hindus had been killing Muslims in the neighboring villages? But then we met Kanti Bhai, a Hindu tobacco farmer. He confirmed that Napa was unique. એટલે જે આપણી પંચાયત ઓફિસ કરીએ ને, ત્યાં આગળ બધું
ગામ સમગ્ર ભેગું કરેલું કે બીજી બધા ગામોમાં ગમે તે ઝઘડો થાય એ આપણે નહીં જોવાનું, આપણે આપણા ગામનું જુઓ કે આપણા ગામમાં બીજા ગામનું આવીને કોઈ ઝઘડો કરીને નાસી જાય અને પછી આપણે બે વળી મળીએ એ ધંધો આપણે નહીં કરવો. એટલા માટે બધું સંપીને રહેલું એટલા માટે ગામ ભેગું થયેલું. પૂછે છે કે આમ કેમ છે અહીંયા, કારણ કે બાકીના ગામડાઓમાં આવું નથી, બહુ ઊંધું છે. અહીંયા પહેલેથી વર્ષોથી એકતા જ છે. અહીંયા 18 જાતના છે, કોઈ કહી ના શકે કે અહીંયા 18 જાતના છે. એક જ જાતિના માણસો એવું જ તમને લાગે, એટલે એકતા છે. બાકી અમારો લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો મુસલમાન બી અમારા લગ્ન પ્રસંગમાં આવે, નહીં તો આપણા લગ્ન પ્રસંગમાં આવે હિન્દુમાં તો આપણે એમનામ જઈએ. પણ અમારે એકબીજાને પહેલેથી એવો વ્યવહાર જ છે. હિન્દુ કોણ હે અને મુસલમાન કોણ હે એસા કોઈ ભેદભાવ નહીં હૈ, સબ ભાઈઓ. મહાત્માજી ઇધર આયા છે ને ઉસી ટાઈમ પર ઇસકા ઉતારા ઇધર હી થા અને યહાં બેઠે છે અને એક રાત ઇધર રહે ઓર જરે ભાષણ કરના છે કરને કા હુઆ તો બહાર ગયે છે. ઇસકા મુકામ ઇધર હી થા ગાંધીજી કા. यहाँ तो ऊपर का भी टूट गया है, पहले नहीं था ऐसा, अब ये टूट गया है, उसको दुरुस्त करवाने का है, कराएंगे. भाषण क्या था इधर મંડપ બાંધે છે, ગાદી બાદી રખા છે અને બાસણ ક્યાં છે, સબ લોકો બેઠે છે ઉધર ઉસી ટાઈમ પર જે કામ બેઠને કી જગ્યા છે. કાકા આપ તો બહુ શુભ જગ્હા મેં બેઠે હૈ, સુના કે ગાંધીજી આ બેઠે થે, ગાંધીજી કી જગ્યા પર બેઠા હૈ. એક વર્ષ હો ગયા નોકરી કરતા થા દુકાન મેં થી હમકો છૂટા કર દિયા, 40 વર્ષ રહ્યા મેં, ક્યા બાપ તુમ દુસરા ધંધા કરો. Napa gave us hope. It was the only village we found where people tolerated and even celebrated difference. There were no statues of Gandhi at Napa. But as we traveled further, we started to find a number of Gandhi temples. These temples were abandoned. And this Gandhi god was always bolted and locked and shuttered. Kasten hai Gandhi ji, kasten. Pal. નાગ ભી તોડ દાલા
I found so many statues of Gandhi that I began to give them names. Roly Poly Gandhi, White Blind Gandhi, Black Grinning Gandhi, Bruised Beaten Up Gandhi. Am I really Gandhi, Gandhi? My personal favorite was this one. I called him Hitler Gandhi. पादरा से सीधा रास्ता जा रहा है जम्मू, बीच में कोई रोड तो पड़ता ही नहीं। जम्मू सर, जम्मू तो जाना ही पड़ेगा। जम्मू से फिर वेयर इज द राइट टर्न यू सेइंग? आई थिंक यू लुक डाउन फ्रॉम पादरा, यू मेक अ राइट। एक राइट आता है ना पादरा से, और उसके पहले ही यहाँ से कुछ रास्ता आता है मेरे ख्याल से, व्हिच इज नॉट ऑन द मैप। हां, हो सकता है मैप पे नहीं। It's a bird! It's a plane! Hey, shut up! It's hot! 98.3 भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब बता सकते हैं, बहुत साल पहले हमने सुना गांधी जी ने यहाँ कुछ सभा की थी आसपास, घूम रहे हैं वैसे यहाँ पे। आपको कुछ आइडिया नहीं है? यहाँ पे तो नहीं है सर। कौन? गांधी जी। गांधी जी, कुछ आपको मालूम है? कुछ मैंने सुना बड़ी सभा हुई थी उनकी यहाँ। वो इधर सूरत में तो नहीं हुई थी, वो बारडोली के पास हुई थी, डांडी जो है ना, वहाँ पर हुई थी सभा। मतलब कहने का मतलब, गांधी का यहाँ स्टेच्यू है, वहाँ बार बार मीटिंग होती है, बैठक होती है, गांधी जी यहाँ आए थे और सभा हुई थी, ऐसा हमने नहीं सुना है। इसका नाम मतलब गांधी बाग रखा है, इसी को इस जानकारी में नहीं है। Yeah.
શોપિંગ કરીશું કાઉન્ટ એક દો આપતા ડોનાલ્ડ શોપિંગ કરીશું કાઉન્ટ એક દો તીન સુરત, એપ્રિલ 1st, 1930. There is no alternative but for us to do something about our troubles and sufferings, and hence we thought of this salt tax. It is a blessing that Hindus and Muslims here are for the present united and not quarreling. I do not believe, however, that Hindus and Muslims have become one yet. Why should there be any ill feeling, any distrust, or any fear of one another, even for a fraction of a second? Can there be a worse government than the present one? I have gone through the holy books of Islam, Hinduism, Christianity, and Zoroastrianism. All these state that women and the poor should at no time be taxed. Muslims, Hindus, Parsis all consume salt in equal quantities. The government has, however, found a device whereby all have been taxed. This is an inhuman law, a satanic law. ભક્તિ કરી કરીને લોક મરી જાય તોય ભેટ્યા નહીં અને મને જંગલીને ભેટ્યા આવો બાપુ એક તમને ક્યાં ભેટ્યા મન સપનામાં ભેટ્યા એકદમ આવાજ છો ને એટલે આવાજ કેટલો કે કોણનો તમરો બોલી જો તમે એમ કીધું મકુ બાપા અંધારું ઘોર કેમ થઈ ગયું મકુ અને પછી તાર લાકડી લઈને બાપુ નીકળ્યા તે મને કે લે બેટા તને શોની નોટ આલું કે મકુ બાપુ મને એકલી ના આલશો આ બધી પબ્લિકને આવો ને એટલે બધો ના આલી મને દેખતો એવું તો જોયા કરું અને બધો છ છ ની નોટો આલ્યો આમ પછી મારી ઓળખું લીધે હું જ ઉઠીને જોવા મળીને કે બાપુ આ તો કઈ જતા ગયા તમે ઘણી વાર ના માન ભેટ્યા મકું ગોંધી બાપુ તમારા પાસે રહ્યા આ તો મારી હોડે જ છે ગોંધી બાપુ અમારા પાસે રહ્યા जब चाय मिलेगी परिणेता का तो नहीं ना
we had our own special connection to Gandhi during the filming. So, Minal, how come you never told me Gandhi was your great-great grandfather? The sound said ठीक नहीं होगा. That killed the moment. No, that's what I asked her in the beginning only. Ki shayad, because of the traffic in this radio. देख तू बताया नहीं जन्म के शूट पे कभी भी. हाँ, unless it comes up in a context, कुछ बताने वाली बात है नहीं. तो so tell me यार this thing of you know this film. Does it feel any different working on this film? Not really. It's like any other shoot. No, I was supposed to ask you, you know, like growing up and stuff, with like Gandhians, I mean Gandhians are family members sort of coming in and stuff. But you don't look at them as Gandhians. No? Look at them generally as people. Just family. Just family, yeah. There's a sweeping shot also there. Lelo. It's a great cutaway for this film. At Dhaman, I met Gordhan Bhai. He was possibly the last living person who had participated in Gandhi's Salt March. Gordhan Bhai, El Bhakta. Meri umar 102 hai. Ek khushi. Haan, pehli wali mein aap baith jao. वो जो डांडी कूच थी चलती थी साबरमती आश्रम से डांडी तक, जिसमें जो गांव आता है और उधर हम लोग को जाने का अरुण टुकड़ी, इसका नाम अरुण टुकड़ी पड़ा है. उधर जाके सारी व्यवस्था, कूच की सारी व्यवस्था, उसका कपड़ा, उसका खाना सब बनाने का काम, व्यवस्था करने का काम हमें रहता. दामन में अप्रैल की 3 तारीख को गांधी का मुकाम था. बोला था कि ये आज़ादी की लड़त है, इसमें आप सब सहकार हमको देना. नमक का कायदा हमने भंग किया, आप भी भंग करो, और जो जेल में जाना हो तो खुशी से जेल में जाओ. अकेले रहते हैं काका? हाँ, अने हमारा जो आश्रम है नवसारी, उधर कभी कभी एक वीक में 2-3 दफे उधर जाता है, चलता है, गुजर जाएगी जिंदगी. जिंदगी गुजर जाएगी. नगीन, अब तो कैसे नाम बनाओ? खोटा एक गांधी का भी है, ताम्रपत्र है अब ये बाजू वाला. काका, जब आप गांधी जी से मिले तो आपको कैसे लगा? हमको बिल्कुल पूज्य भाव लगा है, उसके पूज्य भाव.
This is the last image of Gordhan Bhai that I carry with me. He had so much to tell me about Gandhi, but we didn't have enough time. He died 3 days after I met him. ऐसा सुना था, पता नहीं कभी सुना था कि गांधी जी की वजह से ही ऐसा हुआ था। जो मुस्लिम थे, मोमेडियन थे, वो बोलते हैं कि जब पाकिस्तान वाले हुआ तो पाकिस्तान में जाने चाहिए थे, हिंदुस्तान में। आप एक ही पूछ रहा हूँ आपको, हमारा देश कब से हिंदू देश बना? 1947 हिंदू देश तो नहीं बना ने, लेकिन ये गलत है सर, एक ही गलत काम किया कि जो अलग, या तो अलग नहीं होना चाहिए था, जो अलग ही हो गया तो ठीक से अलग होना चाहिए था बस। तो ये मचमच नहीं होती ना अभी, इतना रोज का मर जाते हैं, 50 लोग मरे, 5 सैनिक मर गए, 10 लोग वहाँ मार दिए, एक बम पटक दिया, तो क्यों? अब बम्बई में देख लो ना आप, अभी जो आप बोलते हैं ना कि आप बम्बई में आज तक जितने भी बम ब्लास्ट हुए, जितने भी कौन ने किए, RSS वालों ने तो नहीं किए, शिवसेना ने तो नहीं किए, BJP नरेंद्र मोदी ने तो नहीं किए। अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछना था, बाहर का कोई आदमी आके कोई पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट अगर करेंगे तो इसकी सपोर्ट से कर सकते हैं, जाके बाहर से आके साला क्या करेगा कुछ, उसको कुछ आइडिया होगा? कोई गुजरात की बात मैं फिर कर रहा हूँ, कोई आम मुसलमान नरोडा पार्टिया में ठहर रहा है, वो जी रहा है, कुछ गोधरा में हुआ तो उस पर हमला क्यों कर रहे हो? लेकिन उसको कोई नहीं मार सर, ये गलत है, कोई उसको कुछ क्यों, उसकी क्यों बर्बादी कर रहे हो? नवा गाँव में आप गए थे, क्या बोले वो सरपंच जो थे कि मैंने एक मुस्लिम को वहाँ से गाड़ी में बिठा के और वहाँ लेके गया था मैं, तो लेके गया कि नहीं? वो कुछ अच्छा आदमी था उसको लेके गए, जो बेकार आदमी है उसको क्या करेंगे बताओ, उसने कुछ बोला अच्छा, होगा तो आप कह रहे हो वो जो 2000 लोगों का कत्ल हुआ सब बेकार आदमी थे, सब टेररिस्ट है, सब टेररिस्ट नहीं नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत तो किया होगा ना सर, वो जो यहाँ बैठा है उसको उसको उसके हाउ इज उसका क्या है, जो गोधरा कांड हुआ वो बेचारा क्या कर रहे हैं यार, तुम जरा सोचो यार, तुमको जो बेकार चीज वो बताते हैं जरा सोचो क्या बता रहे हैं, एक्सीडेंट होगा ना, क्या पता वो भी एक्सीडेंट हो, आग लगती हो अचानक, जरूरी थोड़ी है किसी ने लगाया हो। अच्छा तुम्हें रिपोर्ट पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा विश्वास बन गया जो RSS वाले तुम्हें बताते हैं, नहीं नहीं जो जो कुछ लिखा है तुम जरा पढ़ा करो फिर बात करो ना, इनमें बात ही नहीं कर रहे थे जरा, आप बोल रहे हो बात करने की। After driving for 23 days, we reached Dundee. This desolate monument marked the climactic end of Gandhi's march. पानी गड्ढा में भर गया था, तो नमक तो थोड़ा ही था, नमक ज़्यादा नहीं था, थोड़ा नमक था, वो नमक गांधी जी ने यहाँ पर उठाया था। भाजपा की जो सरकार है यहाँ पर गुजरात में, वो सरकार गांधी विचार को मिटाने के लिए प्रयत्न कर रही है। गांधी के नाम पर वे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी जो जमीन है, जहाँ पर हम खेती करते हैं, जहाँ पर हम लोग भात पकाते हैं, वो सब जमीन अभी सरकार ले लेने के लिए प्रयत्न कर रही है और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने के लिए प्रयत्न कर रही है। हम उनका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध करके हम अभी गुजरात हाईकोर्ट में हम लोग गए हुए हैं गांव की ओर से।
यहाँ दांडी में फाइव स्टार होटल की क्या जरूरत है? क्यों गरीब लोगों जो है यहाँ के और हमारे देश के, उनको ज्यादा गरीब नहीं बनाइए। उनकी रोटी छीनने का आपको अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। उनके लिए हम लड़ने वाले हैं। Dundee, April 5th, 1930. Dundee was chosen not by a man, but by God. Dundee should be a sacred ground for us, where we should utter no untruth, commit no sin. If you brothers and sisters come forward as true volunteers and commit civil disobedience of the salt law, we shall have in us the power to attain in a single day what we hold to be our birthright. Tomorrow, we shall break the salt tax law. You can today take the pledge not to eat salt supplied by the government. You have a mine of salt right at your doorstep. I want world sympathy in this battle of right against might. काका, आपको मालूम है मृणाल जो हमारे कैमरामैन है वो गांधी जी के पोते लगते हैं। कौन? हाँ, पण એટલે હરિલાલ। हाँ हाँ, એટલે મારી નાની હરિલાલ ની દીકરી છે। પણ એ તો આ બેન છે ને અમારી અહીંયા નીલુ માસી કહીએ અમે। હા, તમે હિન્દુ માસી કહેતા અરે નીલુ। હે નીલુ? હા, પણ એ છે ને અહીંયા જ છે, જેનો દીકરો ડોક્ટર છે નવસારીમાં, નવસારીમાં આંખનો ડોક્ટર, હાઈ ક્લાસ। એટલે તમે કોના દીકરા? ઉર્મી। ઉર્મી? હા હા, એ મારા ધ્યાનમાં નહીં। હરિલાલ ની મનુ, મનુ ની ઉર્મી। હરિલાલ? હરિલાલ તો કેવો, કૈસા ઇતિહાસ અમારા હૈ। અરે After arresting Gandhi, the British hoped that the movement would end. But they miscalculated. Indians were making salt everywhere and courting arrest peacefully and non-violently. Gandhi's salt march had become a national movement. The battle over salt was won at Dharasana, where thousands of peaceful volunteers gathered to picket the salt works. A world still naive about the effect of the photograph was horrified to see the images of police brutality. Nothing much happened in the immediate aftermath. The salt laws were not repealed,
and India did not get independence for another 17 years. But the colonial state's use of naked force was exposed. Gandhi got the world sympathy that he had wanted. લોકો વાત કરે કે ત્યારે બધા ગાંધીજીના માણસો બધા અહીંયા આવેલા ને ઘણા એટલા એકદમ એટલા બધા આવેલા કે આમ ઘરમાં રસ્તો બી ને ઘરમાં જતા રહ્યા બધા એમ કે એ તો એનો કાયદો બંધ કરવા મીઠુના જે કર વેરો ભરવો પડતો ને એ વેરો બંધ કરવા માટે મીઠુના પૈસા લેતા સરકાર એ નહીં લેવાના એમ आपको अपना काम अच्छा लगता है? हाँ काम तो अच्छा है उसका धंधा ऐसा क्या है हमने 80 रुपया क्विंटल ना भाव से क्विंटल ना 80 रुपया नमक का छेले वर्तर थता 40-42 रुपया में 40-42-50 ने अंदर आवे अगर ने अगर ने लोगों ने काम बस सोसाइटी है सोसाइटी वो भी जा कारोबार चलावे सोसाइटी બધો કારોબાર ચલાવે એમાં એ લોકોનો પગાર એ બધું એમને આપવાનું હોય દયાભાઈ આને વાલે દિન મેં અભી જૈસે આપ દેખો આપકો કિસ બાત સે ખુશી હોગી ઇસમે સમજ મેં નહીં આ બાત પૂછે છે કે તમારા આગળના દિવસોમાં સેનાથી ખુશી મળશે તમને સપના શું છે તમારું આ મીઠું પકવાનું અમારું એ જ અમારું ઉનાળામાં જ ધંધો અમારો ચોમાસામાં ખેતી નથી કામ હા લોકો આગળ બહુ ઓછું મીઠું પકવે લોકો બહુ પાટા પર ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળે લોકોને કામ નહીં કરવા માંગે લોકો હવે એને તો પેલા તો એક બધા દરેક અગરિયા પાટા બનતા આખો અગર છે આ બધા પેલા પડતર પડા છે ને પેલા સૂકા દેખાય ને સૂકા પાટો દેખાય ને સબ બનતા હમણાં કુછ બનતા ને લોકો નોકરી ધંધા વાળા નોકરી કરતા હે હમ જો પડતા હમારા કામ નહીં હૈ ઉસા હમ એસા ધંધા કરતા હૈ